चलिए दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आज मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2023-24 की, और उसका द्वितीय चरण क्या रहने वाला है, उसमें 100 नंबर का फिजिकल होने वाला है, कटअप वगैरह थोड़ी चर्चा करते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो आदेश क्रमांक है अपने पास, ये है पुलिस मुख्यालय मध्य प्रदेश भोपाल, पुराना है हालांकि 19 जनवरी 2024 का है। ये सारे पीटीसी जितने भी है, यानी ग्राउंड जो है, और उन सभी को ये दिया गया था कि सेकंड टेस्ट की यानी कि फिजिकल टेस्ट की तैयारी की जाए। ठीक है, इसमें यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि आरक्षक जीडी आरक्षक रेडियो भर्ती परीक्षा वर्ष 2023-24 के द्वितीय चरण परीक्षा हेतु ग्राउंड निर्धारण करना, यानी फिजिकल कब से स्टार्ट होने वाले हैं स्पष्ट रूप से अपने को देखने को मिल जाएगा। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं अपन। विषय अंतर्गत लेख है कि आरक्षक जीडी आरक्षक रेडियो भर्ती परीक्षा 2023-24 के द्वितीय चरण परीक्षा दस्तावेज परीक्षण शारीरिक दक्षता परीक्षा की कार्यवाही क्रमशः भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, रीवा, बालाघाट, रतलाम एवं मुरैना में फरवरी मार्च 2024, ये हाईलाइट है, मेन चीज यही है, कब, फरवरी या मार्च 2024। यानी कि अगर फिजिकल मार्च में या फरवरी में करवाना है या मार्च में करवाना है तो स्वाभाविक सी बात है कि इन्हें रिजल्ट जल्दी से जल्दी जारी करने ही होंगे, यानी कि जनवरी लास्ट वीक में या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक में रिजल्ट जारी हो जाएगा। 15 दिन का समय तो लगभग देंगे ही फिजिकल वालों को। प्रत्येक केंद्र में लगभग 5000 उम्मीदवार को शामिल किया जाना है, जिसमें प्रतिदिन लगभग 200 उम्मीदवार को परीक्षा हेतु बुलाया जाएगा। द्वितीय चरण की परीक्षा में शारीरिक दक्षता परीक्षा की 3 विधाएं, जिसमें 800 मीटर दौड़, लंबी कूद और गोला फेंक आयोजित कराई जाएगी। ये तीनों इवेंट जो हैं, वो कितने नंबर के होने वाले हैं, 100 नंबर के होने वाले हैं। सभी इवेंट में अपने अपने मार्क्स निर्धारित किए गए हैं और तीनों इवेंट में 100 नंबर के मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। अब बच्चों को इसमें अधिकतम मार्क्स लेकर के आना है। अब अधिकतम मार्क्स लेकर के आने के बाद, जैसे कि मान लो कि पेपर की बात करें, पेपर में अगर किसी स्टूडेंट के 70 मार्क्स हैं और फिजिकल में उसके 60 मार्क्स आते हैं, तो उसके टोटल मार्क्स जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 130 हो जाएंगे। ये 130 मार्क्स उसके टोटल माने जाएंगे, कितने में से, 200 में से माने जाएंगे। अब अगर मान लो कि 200 में से पुलिस का फाइनल कटअप मेरिट कटअप जो है वो 120 तक जाता है, तो ये बच्चा जो है 130 वाला सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर 120 से अगर कम मार्क्स आते हैं, यानी कि फिजिकल में 120 की जगह 115 मार्क्स ही पाता है अगर वो, तो स्वाभाविक सी बात है कि फिजिकल में कम मार्क्स होने की वजह से वो फाइनल मेरिट में बाहर हो जाएगा। यानी कि लिखित परीक्षा में अगर पास हो गया और शारीरिक परीक्षा में अगर कम मार्क्स आते हैं और टोटल मेरिट में नंबर कम रहते हैं, तो वो मेरिट से बाहर हो जाएगा। इसलिए सभी विद्यार्थियों को अच्छे से फिजिकल की तैयारी करना है, ग्राउंड की तैयारी करना है, और अच्छे से तैयारी करने के बाद बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन करना और अच्छे मार्क्स लेकर के आना है। 100 मार्क्स में से कम 70 मार्क्स तक का तो अपने को लेकर के आना ही है बेहतरीन तैयारी के लिए। दोस्तों, ये जो है रिपोर्ट जो आई है अभी, इसमें उपलब्ध ग्राउंड की जानकारी और अतिशीघ्र इसको उपलब्ध करवाने के बारे में निर्देश दिए गए हैं। अभी ये ग्राउंड की जानकारी जो है वो उपलब्ध कराएंगे और उसके बाद जो है आगे की जो भी चर्चा होने वाली वो होने वाली है। ठीक है दोस्तों, रिजल्ट कब तक आएगा अब इसकी जानकारी अभी कोई स्पष्ट रूप से नहीं है। हो सकता है जनवरी के लास्ट में आ जाए, हो सकता है फरवरी के फर्स्ट वीक में आ जाए, जैसा भी होगा देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, जय जय श्री राम।